प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश परावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो मानसून ने कमाल की स्पीड पकड़ी हुई है, आप सबको पता है। आधे से ज्यादा भारत में मूसलाधार बारिश जारी है, दक्षिण भारत में अच्छी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, सभी इलाके में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा तेजी पकड़ी हुई हैं। इसीलिए मानसून की रफ्तार ने भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसका कुछ कारण भी है। वैसे क्या होता है कि मानसून जो प्रोग्रेस करता है, आमतौर पर हमने देखा है कि दक्षिण भारत में ऑनसेट के बाद अच्छी प्रोग्रेस करता है, मध्य भारत में आकर के कुछ कमजोर होता है। जो पिछले 50 साल का डेटा है, जो पिछले यानी कि 2020 में रिलीज किया गया है, जो नई डेट्स हैं उसमें दिखाया गया था कि लगभग एक हफ्ते की देरी हो जाती है मानसून को मध्य भारत में, और जब ये उत्तर भारत की तरफ आता है तो एक बार फिर गति पकड़ता है। और जो 15 जुलाई को पूरे भारत को मानसून पहले कवर किया करता था, अब 8 जुलाई को ही जो नॉर्मल डेट है पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर और उसके आगे पहुंचने की, वो 8 जुलाई हो गई है, यानी कि मानसून जल्दी आगे बढ़ने लगा है। लेकिन 2013 में हमने देखा था कि 16 जून को ही मानसून ने पूरे भारत को कवर कर दिया था, और उसके बाद ये दूसरी बार ऐसा होगा कि मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और दिल्ली NCR को 16 या 17 जून तक पहुंच जाएगा, यानी कि उस इलाके को कवर कर लेगा। तो अब नजर डालते हैं कि किस तरह की वेदर एक्टिविटी हो रही है और आगे कैसे होने वाली है। अब सबको मालूम है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है, आज भी अच्छी बारिश हो रही है और अगले दो दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो इस समय वेदर सिस्टम क्या है जो मानसून को पुश कर रहे हैं और मानसून आगे बढ़ रहा है, बारिश बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? तो पहले देखते हैं कि एक जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, यानी पहले लो प्रेशर एरिया था जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बना था, और उसके बाद अब ये जो बना है लो प्रेशर एरिया बन गया, यानी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना था यानी गहराया था, अब ये अंदर आकर के झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास आते आते लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया है, और एक ट्रफ रेखा है जो पंजाब से लेकर के इस लो प्रेशर एरिया तक आ रही है। और ये जो यहाँ से देखिए आप, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और इस तरह से आगे आ रही है। और एक और ट्रफ रेखा है जो आप देखिए कि इस तरह से उड़ीसा और ये तेलंगाना तक आ रही है। तो इस तरह से हवाएं घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, हवाएं ऊपर उठ रही हैं जिससे कि बारिश हो रही है, और इसी तरह हवाएं इस इलाके में भी ऊपर उठ रही हैं। जहां ट्रफ रेखा होती है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं, बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो अब क्या होगा? तो उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं पहले कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं कुछ इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी गरज चमक हुई है। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और जो मानसून है वो भी आगे बढ़ेगा और जो मौसम है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। गर्मी जो उमस थी, गर्मी थी, उमस तो रहेगी लेकिन थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि जो बारिश लगातार होती है, बादल होते हैं, तो तापमान गिर जाता है। तो ये 14-15 तारीख तक 16 तारीख तक इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेंगी और ऑन एंड ऑफ रहेंगी, यानी कि लगातार मूसलाधार बारिश नहीं होगी, कुछ इलाकों में होगी, कुछ इलाकों में नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे, गरज चमक होगी, कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है। तो लेकर हम कह सकते हैं कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी भारत तक कई इलाकों में बिजली गिरने की संभावना है, यानी क्लाउड टू ग्राउंड जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो खतरनाक होती है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी बिजली गिरती है या गरज चमक शुरू होती है, तेज बारिश शुरू होती है, तो उस समय क्या होता है कि जो सबसे ऊंचा पार्ट होता है यानी कि जगह होती है उसके ऊपर पहले स्ट्राइक करती है। तो 100 मीटर या 50 मीटर के रेडियस में या डायमीटर में अगर आप हैं तो बिजली अगर गिरेगी तो जो सबसे ऊंची चीज होगी उस पर गिरेगी। अगर आप खुले इलाके में हैं तो अपने आप को झुका के बैठ जाएं, किसी पेड़ के नीचे कभी भी शरण ना लें, क्योंकि पेड़ के ऊपर बिजली गिरने की संभावना पहले रहती है और पेड़ के नीचे अगर आप खड़े हैं तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप कोई अच्छी इमारत है तो आप उसमें जाके शरण ले सकते हैं जब तक ये 1-2 घंटे का ठंडा शावर हो रहा है, उसके बाद आप अपना बाहर निकल सकते हैं। अगर घर के अंदर हैं तो प्लम्बिंग लाइन यानी कि नल वगैरह को न छुएं, क्योंकि उससे भी बिजली आ सकती है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अनप्लग कर दें क्योंकि उसके थ्रू भी बिजली आ सकती है। तो ये सारी सावधानियां आपको रखनी जरूरी है। तो उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है जिससे कि मानसून जल्दी प्रोग्रेस करेगा
ऐसे ही पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी, वो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी। ये पटना के साथ गया वगैरह ये जितने भी इलाके हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली हैं। लेकिन पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश होगी। लेकिन गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कुछ कम हो जाएंगी, हालांकि पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ट्रफ रेखा राजस्थान के ऊपर से जा रही है। अगर ट्रफ रेखा नीचे होती, थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती, तो राजस्थान में बारिश होती, लेकिन इस बार राजस्थान में अभी इस एपिसोड में कोई बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। तो गुजरात में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा ज्यादातर इलाकों में, दक्षिणी जो जिले हैं इन इलाकों में बारिश हो सकती है। मुंबई और उसके आसपास आप देखिए कि ट्रफ रेखा अभी भी बनी हुई है और काफी तेजी से जो हवाएं हैं वो अंदर आ रही हैं। तो ये देखिए, ये आप देखिए इस तरह से हवाएं घूम रही हैं, ट्रफ रेखा बनी हुई है, तो इस इलाके में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा रहने वाली है। 100 से 150 मिलीमीटर, हो सकता है 175-180 मिलीमीटर की बारिश कुछ इलाकों में हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो 300-400 मिलीमीटर की अति भारी बारिश होती है उस तरह का एपिसोड नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि जब 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है, लो लाइंग एरियाज में पानी भर जाता है और जो कुछ मैन होल वगैरह खुले होते हैं या गटर वगैरह खुले होते हैं, नाले वगैरह होते हैं, वो पता नहीं लगते। अगर आप बाहर निकलते हो सकता है उसमें गिर जाए, हादसा हो जाए, इसीलिए घर के अंदर रहें तो ज्यादा अच्छा है। और जब ये 15 तारीख के आसपास ये रेन एपिसोड कम हो जाएगा तब आप बाहर जा सकते हैं, और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो अवॉइड करें बाहर जाना, क्योंकि इस तरह की वेदर एक्टिविटी 15 तारीख तक हमें उम्मीद है कि मुंबई और पूरे तटीय कर्नाटक में होती रहेगी। विदर्भ में और मराठवाड़ा में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में अगले एक दो दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है, खास करके उत्तरी जिलों में, और केरल और कर्नाटका के तटीय इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, जैसे हमने देखा था मानसून के शुरुआती दौर में केरल पूरा बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, उस तरह की नहीं है, लेकिन अच्छी बारिश फिर भी है, मौसम अच्छा रहेगा। तमिलनाडु, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटका में अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां कम रहने वाली हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी अब थोड़ी सी कमी होगी, लक्षद्वीप में भी बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे स्पेल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मानसून अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, पूरे भारत में बारिश हो रही है, राजस्थान को छोड़कर के, लगभग राजस्थान और गुजरात के ज्यादातर भागों को छोड़कर के पूरे भारत को भारी बारिश और अच्छी बारिश मिलने की संभावना नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होंगे हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।